चमक जाए। और कहीं मौका लग गया बुद्धि प्रकाश, कोई देख ले, अरे बुद्धि प्रकाश मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, अरे छोड़ो यार, मैं तो एक बार बुद्धि प्रकाश का कहीं मौका लग जाए तो ये बात बन जाए कि कहीं से टिकट कहीं से गुंजाइश। इस लोकतंत्र इस जनतंत्र पे सवाल उठाने वाले लोग, मैं बताऊं मीडिया मीडिया फुनगी बराबर भी नहीं है। किसी दिन बुद्धि प्रकाश मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलना, सफर पे चलना, मेरे साथ चलना। और जो ये सोचते हैं कि मीडिया एक चीज बनाती, ना 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 ना, मैंने कहा ना, जिसके घर में पैर में जिसके बीमारी फटी है, जिसके पैर में जूता नहीं है, वो जानता है कि मेरे पैर में जूता नहीं है। बुद्धि, उसकी बुद्धि शक्ति, उसकी तर्क शक्ति पर सवाल मत उठाइए। लोकतंत्र जनतंत्र है, किसी के कह देने भर से ना तो वो अपमानित होगी और ना तो वो नीचे दिखाई देगी। बहुत ये बहुत बड़ा रिमार्क है। जी जनाब, कहाँ जाना हुआ? मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, हाँ। आपको भी चमकना है और क्या? लोभा कहते हैं ना, मोदी ने क्या काम किया? कल आपका प्रश्न था, मोदी ने क्या एक काम बताओ। अच्छा, कल भी यही देख रहे थे? अरे मीडिया आइडिया ना देखा करो यार, बताओ कल भी यही देख, कोई काम ही नहीं बुद्धि प्रकाश। अरे नहीं नहीं काम बताइए आप, लेकिन कोई और भी काम किया करिए। जयपुर से दिल्ली आया हूँ मैं एक्सप्रेस वे पे, पेट का पानी भी नीलता, रोड इतना बढ़िया बनाया, पेट का पानी भी नीलता, गाड़ी चलती 120 पे पानी भी नहीं हिलता। क्या बात कर साहब, गिलास में पानी भर लो, छलकेगा नहीं आपका। इतना बढ़िया रोड बनाया मोदी ने। हाँ जी, हाँ जी जी, एक मिनट जी 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 ना एक मिनट। हाँ जी, इतना बढ़िया रोड बनाया है दो साथ है दिल्ली तक का। देखिए बुद्धि जी, ये जनता है, मैं आपके सवाल को भी छोटा नहीं कर रहा हूँ, आपका भी सवाल बड़ा है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? किसी का गुणगान, किसी का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा, चुपचाप बैठिए, मैं भगाऊंगा भी, टोपी लगा के बैठ गए, चुपचाप बैठिए। इन्होंने कहा इतनी बढ़िया रोड बनाई कि पेट का पानी भी नहीं हिलता। इन्होंने कहा कि पैक बनाते बनाते आए होंगे। अब बुद्धि इस पे क्या करोगे? इनकी बुद्धि ये थी, इन्होंने ये कहा, इनकी बुद्धि उतनी ही थी, उन्होंने उतना ही कहा। नमस्ते बाबूजी, कहां से आए? नागपुर से। अब इस पे बच्चों का दोष मत देना कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। अरे बच्चे तो आपसे सीख रहे हैं ना, बच्चे तो आप ही से सीख रहे हैं, आपने क्या दिया? आप ये बताइए क्या दिया? मजा नहीं आया होगा उनको। जी नमस्ते। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में बनारस। बनारस से जी, तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए हुए। घूमने आए, क्या नाम है इनका? स्वास्तिक। स्वास्तिक जी, बताइए आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका तो बनारस कुछ बदला या वैसे ही है? बदला है, लेकिन जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, जहाँ से कार पर गाड़ी जाए, एयरपोर्ट से निकलते, एयरपोर्ट से हाईवे, वहाँ से टैक्स मिलेगा। जो जितने भी बनारस या आसपास के जिले हैं, गाँव के संपर्क मार्ग हैं बिल्कुल गड्ढे। ये आया रिमार्क, देखिए बोले कि जो संपर्क मार्ग हैं, जैसे कोई एक संपर्क मार्ग बताइए जिसमें आपको तकलीफ हुई हो। मिर्जापुर है बगल में, विंध्यवासी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बनारस भी जानता हूँ, मिर्जापुर भी जानता हूँ। बनारस से कछवा रूट से आप मिर्जापुर आ जाइए, आप मतलब 40-45 किलोमीटर का रोड है, आप 3-4 घंटे आपको लगेगा, इतना दूर है। अरे हाय, किनके किनके पेट का पानी नहीं हिल रहा था? कहाँ है? और बुद्धि जी कहाँ गए? बुद्धि जी गए? देखिए बुद्धि जी को के लिए इससे बढ़िया उदाहरण नहीं था। महिला है, ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। आगे तुम्हारा ये जो आने जाने का खेल है ना बुद्धि, असली जब समय आता तो तुम गायब हो जाते हो, और जब वैसे बेकार बार होती तो बोलते रहते हो। आपने कहा कि ऐसी रोड बनाई मोदी जी ने कि पेट का पानी तक नहीं हिलता। महिला ने कहा, महिला ने कहा कि बनारस के एयरपोर्ट से निकलिए, रोड है तो बहुत अच्छी है, जो मैं भी देखता हूं, लेकिन जो संपर्क रोड हैं उन पे काम नहीं हुआ। मैंने कहा कि एक उदाहरण बताइए स्पेसिफिक, कौन सी रोड खराब है? तो इन्होंने कहा कि मिर्जापुर से बनारस की कछवा वाली रोड, जो 28 किलोमीटर। और कितना समय लग जाता है? 3-4 घंटे। और इतना जी लोग शॉर्टकट के लिए उसको यूज करते हैं कि ज्यादातर ट्रैफिक आने जाने वाले, लेकिन जाम में फंसे रहेंगे। जी ये लोकतंत्र है, इसमें स्वस्थ हैं या